आज हम प्रख्यात राष्ट्रवादी नेता गोपाल कृष्ण गोखले को याद करते हैं, जिनकी मृत्यु 19 फरवरी 1915 को हुई थी। 9 मई 1866 को महाराष्ट्र में जन्मे गोखले ने 1884 में एल्फिंस्टन कॉलेज से स्नातक की उपाधि प्राप्त की। गोखले पश्चिमी राजनीतिक विचारकों के संपर्क में रहते थे और जॉन स्टुअर्ट मिल तथा एडमंड बर्क जैसे सिद्धांतकारों के प्रशंसक थे। गोखले महादेव गोविंद रानाडे के सामाजिक कार्यों से भी काफी प्रभावित थे। 22 साल की उम्र में गोखले प्रमुख राजनीतिक संगठन सार्वजनिक सभा के सचिव बने। 29 साल की उम्र में उन्हें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में सचिव के रूप में चुना गया था। उसी वर्ष वे बॉम्बे विश्वविद्यालय के सेनेट के लिए चुने गए। गोखले पूना नगर पालिका के सदस्य थे और उन्होंने इसके अध्यक्ष के रूप में भी कार्य किया। उनके नेतृत्व में स्थानीय प्रशासन में प्रभावी ढंग से सुधार किए गए और इसे लोकतांत्रिक बनाया गया था। ९९ में वे बॉम्बे लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए चुने गए और 1902 में वे इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में निर्वाचित हुए। इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में अपने कार्य में निपुणता के कारण वे सबसे प्रतिष्ठित सदस्य माने जाते थे। वर्ष 1905 में गोखले अपने राजनीतिक जीवन के शीर्ष पर थे। वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए और उन्होंने सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की, जो राष्ट्र की उन्नति के लिए समर्पित एक राष्ट्रवादी संस्था थी। ब्रिटिश सरकार के समक्ष भारत की मांगों को रखने के लिए कांग्रेस ने उन्हें विशेष मिशन पर इंग्लैंड भेजा था। 1912 में जब गोखले ने दक्षिण अफ्रीका का दौरा किया तो वो गांधी जी से मिले, जहां गांधी जी मजदूरों के अधिकारों के लिए लड़ रहे थे। 1915 में जब गांधी जी भारत लौटे तो गोखले ने ही उनका मार्गदर्शन किया था। गोखले ने गांधी जी को भारतीयों के मुद्दों को जानने और समझने में मदद की। महान नेता गोपाल कृष्ण गोखले का 19 फरवरी 1915 को निधन हो गया। हम इस महान राष्ट्रवादी को सलाम करते हैं। हम गांधीवादी विचारक और कार्यकर्ता धर्मपाल को भी याद करते हैं, जिनका जन्म 19 फरवरी 1922 को मुजफ्फरनगर में हुआ था। धर्मपाल बचपन से ही महात्मा गांधी से बेहद प्रभावित थे। 1940 में गांधी जी के व्यक्तिगत सत्याग्रह के आह्वान पर वे स्वतंत्रता संग्राम में शामिल हो गए। 1942 में उन्होंने स्नातक की पढ़ाई छोड़ दी और भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय रूप से शामिल हुए। उन्होंने गांधी जी की शिष्या मीराबेन के साथ भी काम किया। 1947 में विभाजन के समय उन्हें पाकिस्तान से आने वाले प्रवासियों के पुनर्वास के लिए कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के केंद्र का प्रभारी बनाया गया। इस दौरान वे कमला देवी चट्टोपाध्याय और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के निकट संपर्क में आए। वो 1948 में भारतीय सहकारी संघ के संस्थापक सदस्यों में से थे। 1966 से धर्मपाल ने ब्रिटिश द्वीपों में फैले भारतीय अभिलेखागारों की खोज के लिए खुद को समर्पित कर दिया। उन्होंने पूर्व ब्रिटिश भारतीय समाज की प्रकृति और कार्य प्रणाली पर कई पुस्तकें प्रकाशित की। उनके कुछ मौलिक कार्यों में सिविल डिसोबीडियंस एंड इंडियन ट्रेडिशन, द ब्यूटिफुल ट्री, इंडिजिनस इंडियन एजुकेशन इन द 18th सेंचुरी शामिल है। उनके शोध ने भारतीय सांस्कृतिक, वैज्ञानिक और तकनीकी उपलब्धियों की समझ में नव ऊर्जा का संचार किया। उनके लेखन का संग्रह भारत सरकार के प्रकाशन विभाग ने प्रकाशित भी किया है। धर्मपाल गांधी जी के वर्धा सेवाग्राम आश्रम से जुड़े थे। इसे उन्होंने अपना मुख्य निवास स्थान बना लिया था। 24 अक्टूबर 2006 को यहीं उन्होंने अंतिम सांस ली।